जी काम हो गया। दुनिया के लिए पृथ्वी जी अब हमेशा हमेशा के लिए मर गए। चाची जी जरा रसोई तैयार कर दो, हम आ रहे हलवा बनाने के लिए। मिस्टर वर्धन के ऑफिस से फोन है, जरूर पैसे के लिए ही फोन कर रहे होंगे। हेलो मीरा जी, जिसके देखिए मुझे पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा सा वक्त लग गया, मैं बस अभी निकल रही हूँ, पहुँचती हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपको एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए मैं जानती हूँ मिस्टर वर्धन एडवांस लेने से पहले केस नहीं लड़ते, प्लीज उन्हें मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा, उनसे कहिए मैं जल्द से जल्द पहुँच रही हूँ। ओके बाय। बेटा देखना, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा और हमारा पृथ्वी बहुत ही जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। दादी मुझे बहुत देर हो रही, मैं चलती। अभी अभी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि दिल्ली में एक चौंका देने वाला हादसा हुआ है। दो कैदियों को सुनवाई के लिए पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाया जा रहा था कि तभी बालमपुर के रास्ते में अचानक पुलिस वैन में एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में दोनों कैदियों की मौके वारदात में ही मौत हो गई, जिसमें से एक कैदी का नाम त्रिलोकी और दूसरे कैदी का नाम पृथ्वी बताया जा रहा है। जो शहर के जाने माने उद्योगपति मिस्टर राजीव खन्ना के बड़े बेटे हैं। क्या बात है बहुरिया, आज बहुत दिन बाद आटे का हलवा बना रही हूँ, कोनो खास बात है का? अरे तुम्हारे हलवे की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। हमरा ईश्वर बहुत शौक से खाता था आटे का हलवा, जब तुम बनाती थी पूरा कटोरा भर के वही खा जाता था। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली। कहे ना चाची जी, जब भी हमें उनसे कोई बात मनवानी होती थी तो बस आटे का हलवा बना दिया करते थे। उका कहते हैं ना चाची जी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता हुआ जाता है, और इस हलवे से तो हम देवता को भी मना लें। बहुरिया तुम्हारे कहे का मतलब है कि ये हलवा तुम पृथ्वी जी को मनावे खातिर बना रही हो? चाची जी ये हलवा तो सिर्फ मेहमान नवाजी का एक बहाना है। जरा सोचो तो कितने खुश होंगे पृथ्वी जी अपनी इस आजादी को देख, और हलवे के साथ साथ हमने आम का रस, मक्के की रोटी और अदरक की चटनी भी बना दी, कितने खुश हो जाएंगे ना वो। चाची जी आप तो बस मिश्रा जी, ललन को और पृथ्वी जी को एक साथ बिठाई के रखो, हम आ रहे हैं खाना परोसने के लिए। बहुरिया
अभी तक पृथ्वी जी को होश ना आया है। पता नहीं तुम लोगों ने क्या खिला दिया उनको। पृथ्वी जी को अभी तक होश नहीं आया। राम सिंह, ऐसे कैसे हो सकता है? जब वैन में ब्लास्ट हुआ तो तुम कैसे बच गए? सर जी, वो क्या था ना कि मुझे बहुत जोरों की प्रेशर आई हुई थी और मैं गाड़ी से नीचे उतर आया। मैं कुछ दूर गया था कि मुझे एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वैन में पूरी तरह से आग लगी हुई थी। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी पूछताछ में बिजी हूँ। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ बोलिए। प्लीज सुनिए ना, मुझे अपने पति के बारे में कुछ पूछना है, बहुत अर्जेंट है। अरे मैडम, आपको बोला वहां जाके बैठिए। मिनिस्टर साहब का फोन आ रहा है, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। हेलो। हाँ सर, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दो सर। ओके सर, अभी बता दो सर। क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही? मैं इतनी देर से आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और आप है कि आप लोगों का काम हमारी हेल्प करना है, हमें परेशान करना नहीं। मैं पृथ्वी की पत्नी हूँ, मेरा नाम मीरा है। बस यही जानना चाहती हूँ कि मेरे पति कहाँ है, कैसे है वो। राम सिंह, मैडम के लिए पानी लेके आओ। जी साहब। आप बैठिए। मुझे कहीं नहीं बैठना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मुझे इतना बताइए कि मेरे पति कहाँ है और अभी के अभी मुझे उनके पास ले चलिए। पहले तो आप शांत हो जाइए। आप तो जानते हैं कि आपके पति की आज कोर्ट में सुनवाई थी। उन्हें पुलिस वैन में कोर्ट ले जा रहे थे और रास्ते में उसी वैन का ब्लास्ट हो गया। एक और त्रिलोकी नाम का कैदी भी उस वैन में था। आई एम रियली सॉरी। दूसरे कैदी के साथ आपके पति की भी मौके वारदात पर मौत हो गई। अभी तो डेड बॉडीज आ रही हैं। आपने पति की शिनाख्त कर दीजिए। राम सिंह, उन दोनों कैदियों की डेड बॉडी लेके आओ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता। इसे अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा है ललन? मिश्रा जी, कहीं कोई गड़बड़ तो। हम कहीं बताओ कि पृथ्वी जी को ऐसा कितना अफीम खिला दिया है कि सुबह से उन्हें होश नहीं आया। वो बोजी एक टाफी में रखकर दिए थे खाने को। माफ करना बोजी, लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हारा क्या करें ललनवा, हम क्या करें? तुम्हारा दिमाग है, दिमाग में ऊपर भरा है इसमें। पता है ना, ज्यादा अफीम खिलाने से किसी की जान भी जा सकती है। पता है या नहीं? जी। इलो, ये जड़ी बूटी पृथ्वी जी को सुंघा देना। हाँ जी। ताकि उनको होश आ जाए। और देखो ललनवा, अगर उन्हें होश नहीं आया तो तुम होश में रहने के काबिल नहीं बचोगे। समझ गए ना?